बहुत सारे पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि उनको IBS हो गया है और वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। धीरे धीरे ऐसे पेशेंट एनीमिक शरीर में खून का प्रमाण बहुत कम हो जाता है और बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में से जाते हैं। हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में है, बच्चे में है, बिजनेस में है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम मिलता नहीं है। बस सोचने की बीमारी रहती है, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और ज़्यादा सोचने की वजह से ब्रेन अफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से ऐसे पेशेंट को बार बार मोशन हो जाता है और कभी कभी ये अनकंट्रोल भी रहता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए दूध बंद कर दिया जाता है, दही और छाछ पिलाते हैं, दही में अनार, उबला हुआ पपई और एप्पल मिला के देते हैं, छाछ में लवण भास्कर हिंगवाष्टक चूर्ण दिया जाता है और बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा खिलाया जाता है। और ऐसे पेशेंट को चित्रकादी वटी दी जाती है, कुटजा रिष्ट कुटज घन वटी दी जाती है, पेट पे लगाने के लिए लेप दिया जाता है। ब्रेन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते ही जाएंगे तो आगे क्या फ्यूचर रहेगा आपका। एक कंप्यूटर है आपके पास, लैपटॉप है, इसको अगर आप 5 साल तक कंटिन्यूसली ऑन ही रखेंगे तो क्या होगा, मदरबोर्ड ख़राब होगा। आपका भी तो ब्रेन है, इसको भी तो शांति चाहिए। नींद की हर किसी को ज़रूरत रहती है, 6 से 8 घंटा नींद बहुत ज़रूरत है रहती है। कितने पेशेंट पाए जाते हैं जो दिन में लेट उठते हैं 9, 10, 12 बजे, सवेरे का खाना 3, 4, 5 बजे, रात का खाना 12, 2, 3 बजे, इससे शरीर में पित्त बहुत बढ़ता है, एसिड बहुत बढ़ता है, पित्त प्रकृति आती है। और कंटिन्यूसली अगर एसिड ऐसे ही शरीर में बनता रहा तो IBS तो होना ही होना है। इसका रूपांतर अल्सर्स में हो जाते हैं, खून की उल्टियां हो जाती हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो आपने बहुत सोचा है और बहुत टेंशन के वजह से आपने आपका शरीर ख़राब कर लिया है। इसके लिए गुलकंद खिलाया जाता है, आंवले का जूस डेली पिलाया जाता है, एलोवेरा व्हीट ग्रास का जूस डेली आपको पीना चाहिए, गिलोय की जूस दिया जाता है, हल्दी वाले दूध में शिलाजीत मिला के, बादाम रोगन मिला के पिलाया जाता है और थोड़े दिनों में पेशेंट क्योर हो जाते हैं।